हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। आज आई हूँ मैं सामान लेने, और यहाँ से मैं सामान ले जाती हूँ तो ना, मतलब थोड़ा सा सामान लेके जाऊँगी। अभी अभी सामान आया नहीं इनके पास, और फिर उसके बाद आऊँगी मैं। और ये लेके आई हूँ, थोड़ा सामान है, ज़्यादा नहीं है, 2-3 हज़ार का सामान होगा। ये सामान ही नहीं आया है उनके पास। अभी चूड़ियाँ वगैरह लेने गई थी ना, तो वो आई नहीं। तो बिंदी वगैरह भी ख़त्म हो रही थी सारी, तो ये लेकर आई हूँ थोड़ा सामान, और उसके बाद जाऊँगी। अब तो जब इनका फ़ोन आएगा तब जाऊँगी लेने, अभी नहीं, तब है नहीं उनके पास इतना सामान। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। स्वस्थ हूँ, स्वस्थ भी नहीं मेरी तबीयत तो कभी ठीक रहती ही नहीं क्या बोलूँ आप लोगों से भी, ये देखो चेहरे पे स्वेलिंग, मतलब ब्लड प्रेशर ठीक ही नहीं रहता, हमेशा दवाई खाती हूँ परमानेंट, फिर भी बिल्कुल मतलब कंट्रोल में नहीं आता, पता नहीं क्यों। तो सारा काम कैसे पड़ा है मेरा, बिखरा हुआ। अभी मतलब सुबह उठी, लंच पैक किया इनका, और इनको तो दे दिया नाश्ता भी और लंच भी। मैं फिर लेट गई थी और अभी उठी हूँ, थोड़ा काम करूँगी और उसके बाद दुकान भी जाना है, तो सामान लेने भी जाऊँगी दुकान का। कहते हैं दुकान करी है तो थोड़ा लाना पड़ेगा सामान भी। तबीयत मतलब ठीक नहीं है मेरी, पर आजकल ना बारिश से काफ़ी मतलब राहत मिल गई है। पेड़ पौधे भी फूल वगैरह लगाए थे ना, उसमें जान आ गई थोड़ी। ये देखो ये पौधे ना बिल्कुल सूखने लगे थे, ये वाले, ये गेंदे का, क्या बोलते हैं इसको, गेंदे का फूल क्या आता है, ये सूख गए थे। मैंने ना ऐसे बीज डाल दिए थे अपने माइके से ला के, और इतने सारे हो गए। अब इनको ना मैं अलग अलग करूँगी फिर लगाऊँगी। ये देखो इधर भी, और ये मेरी मिर्ची वगैरह सब सूख गई थी ये वाली। और ये देखो इधर छोटा सा मेरा किचन गार्डन है, ये देखो ये सब सूख गए थे। इसमें ना टमाटर के भी पौधे लगे हैं, और अरबी भी है, मिर्ची भी है, टमाटर भी है, और इसमें लौकी और बीन्स के बीज भी लगाए हैं, वो अभी उगे नहीं, अब उगेंगी। और अब जाऊंगी मैं, मतलब थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, उसके बाद जाऊंगी दुकान, दुकान से फिर जाऊंगी सामान लेने थोड़ा सा, क्योंकि सावन भी आ गया है तो थोड़ा सामान ख़त्म हो रहा, लेडीज सामान। और कुछ सामान मैं परसों लेकर आई थी, कुछ आज जाऊंगी। तबीयत की वजह से ना मैं कहीं नहीं जा पा रही, बिल्कुल तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती मेरी, तो देखते हैं अब आगे क्या करूँगी। 2000 years later तो जी अब मैं आ गई हूँ किचन में। अभी बजे हैं शाम के 7, और मैंने बोला था ना मैं सामान लेने जाऊंगी, लेकिन सामान ना मतलब थोड़ा सा तो मैं लेके आ गई थी, चूड़ियाँ वगैरह लानी थी दुकान के लिए। तो जिस जहाँ से मैं सामान लाती हूँ उनका फ़ोन आया, कहते अभी सामान डिलीवर नहीं हुआ और आप ना मतलब बाद में आना। तो मैं फिर गई नहीं, क्योंकि एक तो बरसात भी मतलब शुरू हो गई है यहाँ तो, और एक तबीयत भी ठीक नहीं रहती, चेहरे पे स्वेलिंग वगैरह इतनी आ जाती है बीपी की वजह से। मैंने कहा क्यों जाना, फिर इतनी परेशानी हो जाती है जाने में भी। तो मैंने मतलब घिया तोरी की सब्ज़ी, घिया तोरी काटी है और बनाऊँगी। अरे यहाँ देखना किचन की हाल देखो मेरी, मैं आज ना मतलब 2 बजे दुकान बंद करके आ गई थी, और उसके बाद लेट गई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। आजकल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं चल रही, ढीली चल रही तबीयत,
तो सारा काम ऐसे पड़ा। तो फिर ये देखो, ये हस्बैंड लेके आए हैं आम। मतलब मेरे को आम ना बड़े पसंद है, पर मैंने इस बार आम बिल्कुल नहीं लाई। मैंने कहा कि पर एक बार मैं खाना शुरू कर दूँ ना, तो मैं फिर मैं डेली का ही है। और मैंने कहा आज शुगर का भी डर रहता है, तो उससे अच्छा है मीठा थोड़ा अवॉइड ही किया जाए। लेकिन मेरे हस्बैंड लेके आए, कहते तू क्यों नहीं खा रही है, और भाई तू तो बहुत खाती है आम। मैंने कहा बस मेरे को इस बार लाने ही नहीं थे, तो ये लेके आ रही। इतने मीठे आम है ना ये, बहुत ज़्यादा, मतलब चीनी से भी मीठा होगा। चीनी मीठी होती है ना, उससे भी ज़्यादा मीठा आम है ये। और घर के काम ना किचन के सारे काम ऐसे ही पड़ा, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मैं भी। मतलब कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस सो गई आराम से दुकान से आके। और अब करूँगी ये, अब मेरी ना कढ़ाई मत देखना आप। बर्तन भी सुबह से पड़े थे, मतलब मन ही नहीं किया कुछ करने का। और फिर किचन अगर गंदी होना, फिर भी मन मतलब ऐसे उदास रहता है कि मेरी किचन गंदी है। किचन साफ हो जाए ना, फिर सब मतलब ये लगता है कि सारी सफाई होगी। पहले मैं बर्तन मांजूंगी, उसके बाद मैं फिर बनाऊंगी घिया तोरी की सब्ज़ी। और मैं घिया तोरी की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ ये मैं आपको बताऊंगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ उसमें मैं, और उसको ना मैं दूध डालकर बनाती हूँ। घिया तोरी में मैं दूध डालकर बनाती हूँ और बहुत टेस्टी लगती है वो। दूध डाल के बड़ी टेस्टी लगती है। और अब मैंने बर्तन मांज दिए हैं, अब मैं कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई गर्म हो जाएगी। उसके बाद तेल डालूंगी इसमें, तोरी की सब्ज़ी बनाऊंगी। और प्याज वगैरह मैं नहीं डालती इसमें, उसे डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालती। मैं खाली जीरे का तड़का लगाऊंगी और उसके बाद डालूंगी इसमें दूध। तो कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है और उसमें थोड़ा तेल डाल दिया है। उसमें बाकी कुछ मसाले नहीं डालती मैं, नमक मिर्च हल्दी बस। अरे तोरी डाल दूँगी, इसको थोड़ी देर फ्राई करूँगी और इसमें उसके ऊपर ही डाल दूँगी नमक मिर्च और हल्दी वगैरह ना बस। उसके बाद जब ये थोड़ी देर को इसको पकने दूँगी, उसके बाद फिर इसमें मतलब दूध डालूंगी। और इधर मैंने चाय रखी अपने लिए, और मैं इसमें काला नमक डाल के पीती हूँ, काली चाय पीती हूँ उसमें काला नमक, क्योंकि मेरे को ना दूध वाली चाय ना खपती नहीं। मतलब खपती क्या, गैस गैस की इतनी दिक्कत है ना मेरे को बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं खा पाती। और ये देखो इधर मैंने मसाले डाल दिए इसमें, नमक मिर्च हल्दी वगैरह। ये मेरी सब्ज़ी मतलब बस हो गई। इसमें 5 मिनट का काम होता है, ज़्यादा मतलब टाइम तो नहीं लगता इसमें। और इसको ढक दूँगी और थोड़ी देर बाद फिर इसमें दूध डाल दूँगी। तब तक मैं चाय ले लेती हूँ, चाय पीऊँगी। आप भी आ जाओ चाय पीने, ब्लैक टी। तो थोड़ा दूध डाल लूँगी इसके बाद इसमें। अब देखिए थोड़ा इसको, ये तो ना मतलब एकदम पक जाती है, तो ज़्यादा पकाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। देखो पक गई, डालूंगी मैं इसमें दूध। ये है हमारा
हमारी भैया तोरी की सब्जी, अब मैं इसको थोड़ी देर पकने दूंगी। अब हो गई है तैयार। अब तब तक मैं चाय पी लेती हूँ। सब्जी मेरी तैयार हो गई है, अब मैं बनाऊंगी चपाती। तब तक थोड़ी देर आराम से चाय पीती हूँ। आ जाओ आप लोग भी चाय पीने। जी अब बना रही हूँ मैं रोटी, और क्योंकि लाइट चली गई है अब अंधेरे में, चार्जिंग वाले बल्ब में तो मतलब वो रोशनी नहीं रहती है कि अंधेरा भी नहीं रहता और रोशनी भी नहीं रहती ज़्यादा। खाना बनाने के लिए तो ठीक है, तो ना किचन में मैंने चार्जिंग वाला बल्ब लगाया क्योंकि किचन में तो बहुत ज़रूरी है लाइट, और मोमबत्ती से ना वो बात नहीं बनती। तो बस जी अब मेरी रोटियां बन जाएंगी, क्यों लाइट का कुछ मतलब विश्वास भी नहीं है आए या ना आए, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है तो बिजली वाले भी कहाँ लाइट ठीक करेंगे ऐसी बारिश में। बिजली वाले भी इंसान होते हैं और हम उनको बोल देते हैं कि लाइट ठीक करो ये वो सो। अगर मौसम ठीक रहा तो वो ठीक कर देंगे, नहीं तो ऐसे भी रहना पड़ेगा। और फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं है, आज बिल्कुल 20% चार्जिंग रही है, तो आज ना मेरा स्टैंड भी टूट गया है, सेल्फी स्टैंड। नुकसान पे नुकसान, अभी टिकने का नाम नहीं ले रहा मोबाइल। ये होता है गाइस डबल नुकसान। चपाती तो ज़्यादा नहीं खैर बनती, हमारे 4-5 फुलके बनते हैं दोनों के, हस्बैंड वाइफ के, बस 5 फुलके ही बनते हैं दोनों के, दो दो खाते हैं, कभी ये एक और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, वैसे तो दो ही खाते हैं। अंधेरे में ना बड़ी दिक्कत होती है, मैंने कहा जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, तो चार्जिंग वाला बल्ब भी कम बंद हो जाता है, इसका भी कोई पता नहीं कितनी देर चलेगा। ये भी जल्दी से आंख बंद कर लेता है अपनी। और लाइट की तो कोई मतलब पक्का वो नहीं है, वैसे तो लाइट वालों ने बोला है कि अगर मतलब बारिश बुरिश ना हुई तो लाइट आ जाएगी, अगर बारिश हुई तब तो लाइट आ भी नहीं सकती, और हम उन्हें बोल भी नहीं सकते क्योंकि वो भी इंसान है, उन्हें भी करंट लगता है। और 4 रोटी में तो टाइम भी कितना लगता है बनने में। अपनी 4 रोटी बनाते हैं और अपने डोगी की 4, हम दोनों 4 खाते हैं और वो अकेला खाता है। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो फुल वॉच करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब